नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ठीक नहीं चल रही है, मोदी फाइट था उस सब तो देश में मोदी जी का विकल्प मोदी फाइट व्यक्ति नहीं हो सकता, इससे बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन। नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। जेडीयू में सत्ता लोभियों का एक झुंड है और सत्ता के लोभ में चिपके हुए लोग हैं, वो क्या बात करेंगे, कोई वैचारिक आधार पे बनी पार्टी नहीं है वो। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, लगभग एक महीने तक ये बजट सत्र चलेगा और बजट के दौरान बीजेपी बिहार में विपक्षी पार्टी है और बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह एक बार फिर नीतीश कुमार पर बरसे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार के ऊपर जमकर सवाल किया है, वहीं जो हमने कहा है कि जेडीयू ने मांग की है कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि जेडीयू सिर्फ लोभियों की पार्टी है, जो सिर्फ सत्ता के लोभ में है वही सिर्फ जेडीयू में है। यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। क्या कुछ सुधाकर सिंह कह रहे हैं, जरा सुनिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ठीक नहीं चल रही है, यह बात मैं पिछले लंबे 6 साल 6 महीने से कर रहा हूँ, या हम 17 साल विपक्ष में थे तो भी मैंने कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार ठीक से नहीं चल रही है। ना ही मंडी कानून बनाने के पक्ष में है, ना हर खेत तक पानी पहुंचाने के पक्ष में है, ना ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं, केवल वो पद पर बने रहना चाहते हैं, बस एक सूत्री एजेंडा उनके पास। नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री अगर बनते हैं, अगर आपने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से अच्छा क्या होगा, अगर देश में मोदी जी का विकल्प, कल एक शब्द मैंने गलती से बोल दिया, मोडिफाइड, एक्चुअल मोडिफाइड नहीं था, मोदीफाइड था वो शब्द, मैं संशोधन कर रहा हूँ, तो देश में मोदी जी का विकल्प मोदीफाइड व्यक्ति नहीं हो सकता, इससे बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन हो जाए। मोदीफाइड है मतलब मोदी का ही अगला वर्षन है। नीतीश कुमार से क्या बिहार नहीं चल रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या बिहार कहाँ चल रहा है, बिहार पीछे जा रहा है विकास के पैमाने पर। आप आर्थिक सर्वेक्षण आने दीजिए, हम 2004 में हम 2005 में हमने सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ नीतीश कुमार, वहाँ से लेकर बिहार में 0.1% बिहार पीछे गया है। जीडीपी जो जीडीपी को जो बेस लाइन मारा जाता है उसमें हमारा जीडीपी घटा है, हमारा राष्ट्रीय औसत में जो हम 3.5% थे नीतीश जी के राज में 3.4% हुए हैं। हम बिहार के लोग पीछे गए उनके नेतृत्व में, मैं कतई विश्वास नहीं कर सकता कि उनके नेतृत्व में बिहार आगे गया है। कृषि क्षेत्र में यात्रा पे जा रहे हैं सर, उनकी जो भी यात्रा करें यात्रा पे सवाल नहीं, लोकतंत्र में सभी लोग को यात्रा और भाषण देने का अधिकार है, वो ये करें, इसके लिए मेरी कोई यात्रा में देख रहे विकास हो रहा है। क्या नीतीश कुमार को यात्रा में देख रहे विकास हो रहा है, यात्रा में देख रहे विकास हो रहा है, नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार को बदल देना चाहिए। मैंने कहा कि जिस ब्रिटिश प्रणाली से हम संविधान को अंगीकार किए थे, हमने स्वीकार किया था, वहाँ अपने 4 प्रधानमंत्रियों को पार्टी ने बदला है पिछले 4 सालों में, भारत में क्यों नहीं हो सकता, बिहार में क्यों नहीं हो सकता। मैंने एक शब्द में कहा बदल दे रहा था, विधायक दल के लोग तय करेंगे, हमारे तो है ही वो नेता, हमारे नेता है, मुख्यमंत्री के दावेदार है, उनकी जब मर्जी बने, हमारा वोट उनके लिए है। ये पार्टी तय करेगी कब क्या होगा। मेरी राय मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी का शुरू से है, अभी भी आगे भी रहेगा। जेडीयू में सत्ता लोभियों का एक झुंड है, वो सत्ता के लोभ में चिपके हुए लोग हैं, वो क्या बात करेंगे, कोई वैचारिक आधार पे बनी पार्टी नहीं है वो। तो सुधाकर सिंह की पूरी बात हमने आपको सुनवाई है, आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे हैं। देखना यह है कि आज पहले ही दिन सुधाकर सिंह ने जब ऐसे बिगड़े बोल बोले हैं, महागठबंधन के वो नेता हैं, महागठबंधन में वो शामिल हैं, आरजेडी के विधायक हैं, तो देखना यह है कि क्या आरजेडी इस चलते सत्र के दौरान ही उन पर कार्रवाई करती है। सुधाकर सिंह सदन की कार्रवाई के दौरान भी बहुत हंगामा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करेंगे। धन्यवाद।